गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आपकी सब बहुत बहुत अच्छे होंगे क्योंकि ये जो काउंटडाउन जो है हमारा स्टार्ट हो गया है तो बहुत सारे बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक भी हो गए हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यस बिल्कुल मैं आज आपकी सबकी सारी क्वेरी सॉल्व कर रही हूँ सब कुछ सॉल्व कर रही हूं मैं <coughs> एक सेकेंड यस yes. पहले एक बार आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है प्लीज एक बार बताइए कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है सब कुछ अगर आपको मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है और साउंड भी आपको क्लियर दिख रहा है पिक्चर भी आपको क्लियर दिख रही है तो प्लीज एक बार मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि एवरीथिंग इज फाइन मैम प्लीज एक बार बताइए कि क्या सब कुछ ठीक है यस वेरी गुड मॉर्निंग प्रीतम प्रकाश अनन्या मोहित सुषमा सुषम सॉरी सबका नाम लेना मिले बहुत नहीं है फिर भी मैं आदत है कि जैसे मेरी कि जब तक मैं बच्चों के नाम नहीं लेती मैं क्लास को स्टार्ट नहीं करती हूँ मैं तो कुछ स्टूडेंट्स के नाम ले देती हूँ मैं यस पंकज बलू झीके प्रकाश अमित नायराम अहि सोनम जगत अनिल उजां प्रकाश वैष्णवीर वासना जो भी है ये प्रतिष्ठा इंडिया सुमित चलिए भाई अब तो बहुत जल्दी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने सारे बच्चों के एक साथ नाम बोल तो सभी को मेरा बहुत 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 प्यारा वाला गुड मॉर्निंग विश चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने सारी प्रॉब्लम तो हमारी कल सॉल्व कर भी दी थी कल लेट नाइट तक बच्चे मेरे साथ में कनेक्ट थे हमें पूरी टीम के साथ में कनेक्ट थे जहाँ हम बैक टू बैक बच्चों के जो मैसेजेस थे जो प्रॉब्लम्स थी वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल पता है एक ऐसा एक माहौल सा एक बन गया है जब हमारे घर में कोई इवेंट होता है या कोई बहुत बड़ा होता है हम इतने हड़बड़ाहट में हम लोग रहते हैं ये करना है वो करना है ये करना है ये नहीं हो रही क्लास ये नहीं हो रहा ये काम नहीं हो रहा ये जल्दी करना है ये करना है तो आप लोगों को नहीं लग रहा कि एक इवेंट सा बन गया है एक क्रांति से बन गई है कि सब कुछ हड़बड़ाहट में हो रहा है और ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जो प्यार है आप लोगों का जो ये एक्साइटमेंट है जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि यस जल्दी से स्टार्ट करिए वी आर ईगरली वेटिंग की सारी क्लासेस जल्दी से स्टार्ट हो जाए और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो सफर है जहां हम इस सफर को ये जो पांच महीने का सफर है उसको हम कैसे हम उससे कन्वर्ट करेंगे कि जो पांच साल पढ़ाई करते हैं उसको हम कैसे पांच महीने में हम कन्वर्ट करेंगे तो उस अप्रोच के साथ में एक उस स्ट्राटेजी के साथ में जहां हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे हम हार्ड वर्क के साथ साथ हम लोग स्मार्ट वर्क भी करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की आपकी कुछ क्वेरी के साथ में यस yes? वेरी गुड मॉर्निंग कौन है ये सुषमा तो सुबह की शुरुआत एक अच्छी सी शुरुआत एक अच्छे से मैसेज के साथ में हो जाए तो कहते हैं कि जिंदगी थोड़ी सी चेंज हो जाती है तो स्टार्ट करते हैं आज का कोट के साथ में हमारी मॉर्निंग क्लास तो देखिए क्या है ये <coughs> ये है जिंदगी एक खेल है यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो वापस से बोल रही फिर एक कुछ छोटी सी चीज बताऊंगी मैं आपको इसके साथ में जिंदगी एक खेल है यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो और यदि सिर्फ तुम दक्षक की तरह देखते हो तो सिर्फ क्या करेंगे तो सिर्फ हम ताली बजा सकते हैं जीत नहीं सकते हैं तो हमें अगर पढ़ाई करनी है हमें अगर सोचना है कि यस हमें यूपीएससी फाइट करना है हमें लवासना जाना है तो उस चीज को फील करना होगा उस चीज को विजुलाइज करना होगा उस चीज को पॉजिटिव एनर्जी हमको देगी लेकिन हम ये सोचे कि हाँ हाँ भाई हमें देना वेना तो है नहीं एग्जाम हमें तो बस यही करना है कि अरे देखते हैं नाइनटी में कैसे बैच चलाते हैं हम तो कमेंट बॉक्स में इनका हम तो बोरल डाउन करेंगे कई लोग होते हैं ना ऐसे जब आप खेल में जब दो टीमें होती हैं तो यही करती हैं वो यही करती हैं कि जो एक टीम के जो सपोर्टर्स होते हैं तो दूसरी टीम वाले उनको डिमोलाइज करवाने के लिए नेगेटिव नेगेटिव कमेंट अरे नहीं होगा हार जाएंगे ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर भी सेम वही चीज हो रही है जहां बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स लेकिन बहुत सारे नहीं है मैं आपको दिखाऊंगी कि पॉजिटिव नेगेटिव से बहुत ज्यादा है और अब वो सोच ही नहीं सकते हैं कुछ नेगेटिव करने की क्योंकि इतने सपोर्टिव हम सब ने सोच लिया है कि जीतना है तो जीतना है जब खेल के मैदान में हम उतर गए हैं जहां वो जंग से हम जीते गए हैं जब युद्ध का हमने इसाने कहा था कि शंख बच चुका है हम उस रणभूमि में आ चुके हैं तो पीछे तो हम देखेंगे नहीं तो जो पीछे बैठे हैं जिनको रणभूमि में कूदना ही नहीं है जिन्हें यूपीएससी एग्जाम देना ही नहीं है जिन्हें सिर्फ मजाक उड़ाना है कि कोई नाइनटी में कैसे कर सकता है मतलब कहते हैं ना हम ना खुद करेंगे ना दूसरों को करने देंगे है हाँ ना तो ये उन लोगों में से हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको करने दीजिए हम हमारी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आज ये स्पेशल क्लास उन बच्चों के लिए जो बहुत ही क्लीनली जो है पढ़ाई करना चाहते हैं बहुत ईगर है इस बैच को लेकर के और ये जो मुहिम जो सर ने चलाई है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं यस अब तो मुझे बताइए कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो यूपीएससी के मैदान में बहुत दिल से उतरना चाहते हैं जल्दी से यहां करिए यस ये कौन है अर्चना गुंजन, अमित, अमित गायत्री तिवारी, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, और ये कौन है चलिए जो भी हैं, राहुल अग्रवाल वेरी गुड मॉर्निंग तो स्टार्ट करते हैं इस पॉजिटिव कोड के साथ में हमारे आज का सेशन जो मैं स्पेशली किसके लिए लेकर आई हूं किसके लिए यस उनके लिए जो बहुत दिल से इसकी डिटेल्स को जाने को तैयार हैं हैं और चाहते कि मैम स्पीड फास्ट हो जाए बस हम लोग तैयार हो रहे हैं जैसे कि आप सबको पता है कि अपनी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं सर की दो क्लासेस आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं तो अगर आपने जब ऐप आप पे नहीं की थी तो उसमें करना क्या है आप यूट्यूब पे सारी क्लासेस चल जाएंगी सी सेट की क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे मंडे मीन परसों से मंडे से अट्ठाईस तारीख से आपके दोनों मीनस टू लेक्चर्स जो है पर आपका पर डे आपका शुरू हो जाएगा आपका जीएस का भी और इसका आपका सी सेट का बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है और उसके बाद में जो जो सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाए जाएंगे क्योंकि देखिए हम एकदम से सब कुछ पढ़ा देंगे तो समय आपको नहीं आएगा ऐसा लगेगा ये भी करना है ये भी करना है सब कुछ पढ़ना है बहुत हॉटपॉट सब कुछ हो जाएगा तो बहुत आराम से हम कूल डाउन करके हम करेंगे और स्टार्टिंग वन वीक जो है आपके दो लेक्चर्स आपके रहेंगे आपके जीएस का भी और आपका सी सेट का भी जीएस का जो है अभी स्टार्टिंग सर आपकी क्लास ले रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि दो क्लासेस ऑलरेडी सर ले चुके हैं जो तो आपकी ऐप में नहीं मिली थी तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और जीएस की क्लास आपको परसों से मिल जाएगी फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया आपका जहां हम सोच रहे थे कि हम कौन सी क्लास लेंगे कैसे लेंगे कब आएगा शेड्यूल तो ये सारी चीज गई दूसरी चीज आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि कल भी बोल रहे थे कि मैम हमारा लॉग नहीं हो रहा है लॉग नहीं हो रहा है तो उसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है एक्चुअली लॉग इन आपका तब नहीं हो रहा है हमने कहा कि जहां पे आप एडो के ऊपर जब आपने लॉग किया था और कई बार आप लोग की प्रॉब्लम क्या हो रही है वहां पे आपने आईडी कुछ और भरी यहाँ पे कुछ और आईडी भर रहे हैं तो भैया सेम आईडी होगी तभी तो वो आपका डाटा कुछ ट्रांसफर हाँ होगा तो उस वजह से हो रहा है तो सोचेगा कहीं आप वापस से आपसे ये मिस्टेक तो नहीं हो रही है कि आप कॉन्टेक्ट नंबर जो है वहां पे कुछ और डाला यहाँ पे कुछ और डाला आपकी आईडी जो है वो आपने वहां पे कुछ और शो करी यहाँ पे कुछ और रही है। तो जहां अगर आपकी डबल डबल आईडी या डबल डबल कॉन्टेक्ट नंबर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम तभी आ रही है जब आपकी उजान से जब आप एलिटैंड uh, लर्निंग ऐप पे नहीं आ पा रहे हो राइट मेरे ख्याल से अब किसी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पूरी रात देर रात तक हम लोग पूरे टाइम यही बात कर रहे थे कि क्यों ये प्रॉब्लम आपकी आ रही है तो फिर सॉल्यूशन ये हुआ जब हमने स्क्रीनशॉट्स मांगे कि कहा प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिक सबका सॉल्यूशन निकल गया तो देखते ना देखिए सॉल्यूशन सबके होते हैं और जब खेल शुरू किया है तो खत्म तो हो गई ना ऐसा तो है नहीं कि बारिश रहेगी तो बीच में बंद हो गया आपको पता है है कि बारिश आती तो भी गेम गेम तो 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 चलता ही ही है है तो कभी बंद होता ही नहीं है। तो ये जो जंग जो शुरू की है सर ने तो ये तो चल के ही रहेगी ये मुहिम जो स्टार्ट की है ये तो होके ही रहेगी चाहे कितने ही कुछ भी हो जाए कोई कितने ही इसको अड़चने डाल दे हर्डल्स डाल दे साजिश रख ले कुछ भी रख ले वो कोई भी सॉल्यूशन होने वाला उनका नहीं है एक चीज मैं बताती हूँ उनको स्पेशली उनके लिए जो ये कुछ और नेगेटिव जो सोचते हैं ये देखिए ये ढेरों कमेंट्स हैं तो हमें समझ नहीं आता कि वो सही है या ये सही है जहां पे पूरा भरा पड़ा है पूरा मतलब अगर हम लेके बैठे तो वो बेघाल से सारी स्लाइड्स स्लाइड्स में पे स्लाइड्साइड्स इतने पॉजिटिव कमेंट्स और ये सही में ये हमारी एनर्जी है ये स्ट्रेंथ है हम सबकी देखिए जहाँ पे लिखा है सर आपकी हर क्लास का डिस्कशन लेवल अलग ही रहता है पर हिस्ट्री की क्लास बहुत अच्छी रही आज की सर आपकी वजह से हम गरीब स्टूडेंट पढ़ पाए सर आपने कॉन्सेप्ट बैच ऑप्शनल प्री बैच लेके मेरी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ लिखते हैं सर मैंने जैसा सोचा था आप उससे भी ज्यादा छा गए हैं रियली यू आर वेरी 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 ग्रेट टीचर सर इस कोर्स में मेरे लिए डायमंड से भी ज्यादा कीमती सर इसने अच्छे कंटेंट दिए हैं सर मेरी हेल्प कर दो सर मेरे ब्रेन में देखिए ये बहुत अच्छी है ये एक लड़की है जिसने लिखी है कुछ प्रॉब्लम है और उसके बाद में डॉक्टर ने उसको कहा है कि आप रेस्ट करिए लेकिन उस रेस्ट के बाद भी जो है वो बच्ची पांच से छह घंटे पढ़ रही है जस्ट बिकॉज कि सर की क्लास सर का मोटिवेशन और वो जो एक दिख रही है कि हाँ इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं टेक्निकल इतनी प्रॉब्लम आ रही हैं लोग इतना भड़का रहे हैं उसके बाद भी सर जैसे एक कहते हैं कि पहाड़ बन के खड़े हुए हैं अपने बच्चों के लिए तो ये उसकी स्ट्रेंथ है ये बहुत ही अच्छा मैसेज बहुत ही इमोशनल मैसेज था उसके लिए देखिए मेरे घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे मेरे हस्बैंड भी बहुत सर कोई मैसेज का तट पहुंचा दो प्लीज जो हमें आई बनने को नहीं छोड़ सकता निधि वर्मा सर यहाँ पे फिर कुछ लग आर द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड यू ओनली द टीचर दैट नॉट टीच द ओनली द रीडिंग एंड द लर्निंग ऑफ बुक लैंग्वेज यू ऑल आर मटीरियल लिंक्स विद द नेशन इंडिया ये देखिए काश सर आपके जैसे हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर अगर हमें पहले मिले होते तो शायद हिस्ट्री नाम का डर हमारे दिमाग से निकल जाता सर आप क्लास यूट्यूब पर ही ले लो लेकिन बहुत चैलेंज होने के बाद भी हम आपकी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है योर वे ऑफ स्पीकिंग एंड एक्सप्लेनिंग टोटली डिफरेंट सर आप पढ़ाते हैं तो मन करता है कि हम बस पढ़ते ही जाए पढ़ते ही जाए तो दीज आर okay. तो सो मैनी मैसेजेस जो हमारे सपोर्टर्स को मिले हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जिसकी मैं आपको की मैं बात कर रही थी तो सबसे पहले आपको क्या करना है उजांगीडियो डॉट कॉम जो आपका था वहां से आपको स्विच होना है इसके ऊपर ठीक है मेरे ख्याल से अब हो चुके होंगे ये अपनी फाइनल है क्योंकि वहां पे इतना ट्रैफिक और इतना जो साइबर अटैक हुआ था उसकी वजह से हमने रातों रात ने अपनी जो पुरानी ऐप थी उसके ऊपर आ गए हैं तो प्लीज 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 उजांक एनी टाइम रनिंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा अब दूसरी चीज एक और चीज मैं आपको बताती हूं एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे मैंने कहा कि हमारा जो जीएस वाला जो पेपर है और जो सी सेट वाला पेपर है दोनों के दोनों आपके मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं अब कई बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं लेके छोड़ दिया और फिर जिस जिस दिन दिन वो CSET पे स्टार्ट होंगे जिस दिन का बैच शुरू होगा सेम टाइम पे लॉग इन सब कुछ करेंगे तो भाई इतनी चीज और मेरे ख्याल से आप लोग इतने एडवांस हैं टेक्नोलॉजी में तो हर बच्चा एडवांस है मैं अच्छे से मान सकती हूँ तो आपको पता है जब एक साथ अब मान लीजिए कि आपका जब एग्जाम का फॉर्म भरने जाते हो आप किसी भी चीज का कॉलेज में कहीं पे है तो क्या बोलते हैं कि नहीं भाई हैंग हो गया है सर्वर डाउन हो गया है एक साथ इतने सारे बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं तो आपको एक एक चीज पता है या तो मैं ये ये सोचूं कि कि बिल्कुल रची साजिश है कि नहीं हम इस बैच को होने ही नहीं देंगे हम सेम टाइम के ऊपर लॉग इन करेंगे ताकि बिल्कुल जो है हैंग हो जाए या कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए राइट तो अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो प्लीज आज जो है आपके पास में दो दिन है आज का और कल का दिन दो दिन है अपने जो इन्होंने ने एडमिशन नहीं लिया है हालांकि एडमिशन मोस्टली स्टूडेंट्स ने ले लिया है पर हाँ अभी भी रोज जो नए नए बच्चे हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं उसके साथ में प्लीज लॉग इन भी आज ही कर लीजिए जहां तक हो सकता है पूरा दिन पड़ा है अभी आज का दिन पूरा कल का दिन पड़ा है ताकि परसों की जो क्लास जो मैं आपको कहा है कि जीएस की क्लास और CZ की क्लास जो है बहुत ही स्मूथली अपनी क्लासेस होती रहेंगे right? so तो हो लॉग इन करके रख लीजिए राइट right? चलिए अब आ जाते हैं आपकी दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे मैंने कहा कि हम इस प्रम्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब मैं कोई आपसे कोई दुनिया भर की बातें नहीं करी मुझे पता है कि अब सबकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है सॉल्व हो जाते हैं अब आ जाते हैं हम हमारे स्मार्ट वर्क के ऊपर की फिल्म की तैयारी हमारी कैसे करनी है देखिए फिल्म ऐसा है कई जैसे बोलते थे कि हाँ ये पॉइंटर से हम लोग पाएंगे पॉइंटर से हम लोग यूपीएससी थोड़ा ना पढ़ पाएंगे मैं अब नेगेटिव वालों की भी जवाब दे रही हूँ मैं एक एक नेगेटिव वालों की भी मैं आज बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में जवाब दे रही हूँ कुछ बच्चों ने कल लिखा था कि ये पॉइंटर पढ़ाने से क्या हम पास हो जाएंगे तो उनका जवाब ये है कि यस पॉइंटर पढ़ाने से ही आप पास होगे क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है अगर मैं इतनी मोटी मोटी बुक्स जो सर ने आपको दिखाई थी सारी तो कर लोगे पांच महीने में लोग तैयारी तो करते हैं उसके बाद नहीं आते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमें ये नहीं पता कि उस मोटी बुक के अंदर उसका कंटेंट क्या है? क्या, है क्या हमें पढ़ना है क्या हमें नहीं पढ़ना है सारी चीज तो यूपीसी फिल्म में नहीं आ जाएगी ना कुछ चीजें मेन्स में भी तो आएंगी ना तो हमें वो चीज जो हमें नहीं आती है इसीलिए तो हमने जो रिसर्च की है ये

टिप्स जो आपको बताएगा कि क्या क्या चीजें जो हमें फॉलो करनी है मीन आपने देखा होगा मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है हमें स्मार्ट वर्क करना है उसके अलावा मैं कुछ एक और चीज में आपको बताऊंगी आज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके सिग्नल्स वो है आपके सिग्नल जो आपको एक यूनिवर्स आपको देता है जो आपको यूनिवर्स जो है आपको डायरेक्ट अट्रैक्ट करता है कि यस yes, आपको क्या चीज मिलने वाली है और मिस चीज को हम भूल जाते हैं तो ये भी आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करने वाली हूं मैं और मुझे लगता है कि उसके बाद कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो थोड़ा सा नेगेटिव होगा जो उसको थोड़ा सा डर लग रहा होगा या जो डिप्रेशन में है या कुछ एंजाइटी है मेरे ख्याल से उसके बाद सब पॉजिटिव और बहुत कूल cool के साथ में हम पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहला लेसन आज का है आपका क्या है बताइए स्लो डाउन अब आप सोचोगे कि मैम स्लो डाउन आपने क्यों लिखा है तो भाई स्लो डाउन मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने कहा है कि आपके दिमाग को थोड़ा सा स्लो डाउन रखिए उसको कूल cool रखिए क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम बहुत जल्दी किसी बात पे हम लोग गुस्सा हो जाते हैं हम बहुत ही एकदम चिड़चिड़ हो जाते हैं ये है वो है ये फेंक दिया वो फेंक दिया गलत गलत कमेंट्स कर दिए उससे क्या हुआ भाई उससे कुछ भी नहीं होता है हम जितना ज्यादा हम इतने ज्यादा एग्रेसिव होते हैं हम बहुत हाइपर होते हैं हमारे जो है नेगेटिविटी हमारे आती है तो आप ये मान के चलिए अगर आपका ये एटीट्यूड है तो आप कभी भी यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकते हैं दिस इज क्लियर एंड कट आपको लग रहा होगा कि मैम गलत बोल रही हैं बट दिस इज फैक्ट मैंने आपको कल भी बताया था यूनिवर्स आपको सिग्नल्स भेजता है वो हर वक्त आपको सिग्नल भेजता है जब आपको गुस्सा आता है जब आप किसी ऐसी सिचुएशन को आप फेस कर रहे होते हैं यूनिवर्स आपको सिग्नल भेजता है तो इसीलिए कह रही हूँ आपको स्लो डाउन हर चीज को कूलली सोचो कि ये हुआ है तो क्यों है? और हम ये क्या करते हैं हमारी एक बेसिक सी बड़ी गंदी सी आदत होती है ये क्यों हुआ है ये क्या हो गया मैंने तो ये ऐसे किया था तो ऐसा नहीं होता ये जो क्या क्यों का जो वर्ड है ना उसको हटा करके यूनिवर्स जो आपको देना चाह रहा है जो सिग्नल्स आपको पहुंचाना चाह रहा है कोशिश करिए उनको समझने की कई बार ऐसा होता है कि हमें सपने में कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हुआ है कुछ एकदम से सा हमें अनयूजुलता है लेकिन हम उसको लेट गो कर देते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम रोड साइड पे जा रहे होते हैं सोचिए मैं कुछ एक सिचुएशन आपको बता रही हूं अब बहुत गुस्से में है कि नहीं वीडियो नहीं चल रहा है ये नहीं चल रहा है हम चले जा रहे हैं राइट right? मैं इस चीज को बता रही हूँ कि यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है और आपको स्लो डाउन होना है मैं दोनों को कनेक्ट करके बता रही हूँ मैं कि कैसे आपकी पढ़ाई को एक फोकस पढ़ाई एक डायरेक्शन में आपको दिखाना चाह रही हूँ मैं हम बहुत गुस्से में है अभी आपने जाए सपोज करिए कि आपने 11 बजे क्लास स्टार्ट की आपके और ऐप पे जो है लॉग इन ये नहीं हो अब भरपूर गुस्से में आ गए हैं फुल गुस्से में आपके आ गए हैं राइट right? एकदम से यूनिवर्स आपको कुछ संकेत देना चाह रहा है आप रेड लाइट पे आप रुके आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप फुल गुस्से में हैं आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी आ रही है मेरे पैसा गए ये गए ये है पॉइंट पढ़ाएंगे पता नहीं क्या करेंगे दुनिया भर की आप नेगेटिव सोच रहे हैं आपका पास वाला आपको दुनिया भर की गलत गलत बातें आपको दे रहा है लेकिन यूनिवर्स में वहां पे कहीं जो साइन बोर्ड होता है वहां पे कहीं लिखा हुआ है धैर्य रख धीरे चल धैर्य से समझ के साम रख मतलब हो सकता है कि आपके सामने वाली गाड़ी के ऊपर पीछे जो कुछ लिखे होते हैं वहां पे कुछ लिखा होता है तो ये सिग्नल्स होते हैं लेकिन हमारा होता है कि हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं और सीरियसली कह रही हूँ ये अगर आप इन सिग्नल्स को अगर आप पढ़ना सीख जाओगे कि उनको एक कोलेट करना सीख जाओगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपकी दूर हो जाएंगी बहुत बार होता है कि हमारे पास में हमारा जो कभी लक्की नंबर होता है कि जिस नंबर पे कभी आपकी शादी है या बर्थडे है या कुछ भी है बाबर हमें इसी टाइप के नंबर्स हमको दिखाई देते हैं कभी वो कॉमन नंबर्स होते हैं ट्रिपल थ्री डबल फोर या कभी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 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 या तो है आपका ऑफ है, अगस्त इसी टाइप के नंबर आपको हर जगर, हर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं तो दिस इज कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाह रहा है वो एक इंडिकेट कर रहा है कि यस यू आर इन द राइट डायरेक्शन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यूनिवर्स आपको देता है तो जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही एक दिल से जो है पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन सिग्नल को और सोचिए मैंने आपको पहले भी दो तीन बार हमेशा ही कह रही हूँ ये एक सिग्नल ही था कि जो जो गरीब बच्चे थे या जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे जो आउटस्कर्ट्स में थे जिनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था जिनको एक मैंटोन नहीं मिल रहा था जो सिर्फ एक दिल के अंदर कुछ इच्छा थी तो ये यूनिवर्स का एक डायरेक्शन ही था जहां तक आप लोगों की बात जो है सर तक पहुंची और ने इस बैच को स्टार्ट किया बड़ा सोचिए पहले तो आज तक किसी ने नहीं नहीं स्टार्ट किया था, भी नहीं किया था था संडे भी हमने भी फर्स्ट टाइम किया और हमारे अलावा आज तक किसी अकेडमी ने नहीं किया और अब देखो कौन सी अकेडमी ऐसी नहीं है जिसने निन्यानवे रुपए बैच नहीं शुरू कर दिया कौन सी सब मतलब हमने स्टार्ट किया तो सब ने स्टार्ट कर दिया अरे भाई ओझा का हम भी स्टार्ट कर देंगे सबने स्टार्ट कर दिया

आप उस चीज को ही समझिए उसके डेप्थ को हम समझा रहे हैं तो जब हम पूरा आपको पैराग्राफ राइटिंग दे, दे देंगे क्या मतलब होगा फिर फिर तो वही बुक की बुक हो गई मतलब ही नहीं है तो ये जो स्मार्ट वर्क है उसमें पॉइंटर मैटर रखता है आपका सेकेंड चीज जो आपकी मैटर रखती है एक तो आपकी पॉइंटर स्टडी राइट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ में है वो है आपके बताइए क्या है आपके बताइए क्या होंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा इसके बिना कुछ भी नहीं होगा और ये एक सिर्फ एक मात्र एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है कहां जाएंगे आप बताइए ओटीपी पे अपने जो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस जो है वहां पे आप जाइए आपके पास में प्रिलिम्स के लिए भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे मेन्स के लिए भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं करना है सिर्फ ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड कर लो वहां पे आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे सोचिए फिर क्या है सब कुछ आसान है सब कुछ मैंने आपको पहले ही बताया था आप एनसीआर पढ़ना चाह रहे हैं आप जैसे ही आप उस पे एड जाएंगे वहां पे, पे आपको फ्री में मिल रही है आपको एम करने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं ओटीपी पे जाइए दुनिया भर के आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहीं से कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है और हमेशा एक बात का हमेशा ध्यान रखिए जितने ज्यादा आप सोर्सेस को लेंगे जितने ज्यादा आप सोर्सेस को लेंगे उतने ही ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड होंगे जितने ज्यादा आप लोगों की बातें सुनोगे उतनी ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे जितने ज्यादा मुंह उतनी बातें जितनी ज्यादा नेगेटिविटी कुछ नहीं होगा और ये भी हमें पता है कि कम से कम तेरह से चौदह लाख लोग जो है प्रलिम्स का फॉर्म भरते हैं और हमें पता है होता क्या है सिलेक्शन पहुंचते 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 किन हो जाता है सिर्फ सात सौ आठ सौ का वो भी किस लिए कि हाँ भाई जो बातें करने वाले नेगेटिव अप्रोच करने वाले और अपने आप को खुदा मानने वाले दुनिया भर की बातों सोचने वाले उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है तो अपने पे फेथ रखिए ट्रस्ट रखिए आपके मेंटोर के ऊपर ट्रस्ट रखिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एक सोर्स को पकड़िए किसी भी एक सोर्स को पकड़िए जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ सोर्सेस पकड़ेंगे उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी तो ये चीज हमें करनी ही नहीं है तो एक सोर्स हमने ले लिया जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको उसको ध्यान से उसको ध्यान से से पढ़िए समझिए समझिए उस डिस्कशन को कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी बुक्स में नहीं होती हैं लेकिन जब टीचर क्लास में होता है तो वो कुछ और ही होता है उस टाइम हमारे दिमाग में क्या आता है हमें नहीं पता है मुझे नहीं पता कि मैं जब यहाँ पे आई थी मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे क्या बात करने वाली हूँ मैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे डिस्कशन से क्वेश्चन आ जाते हैं तो

से और ये राइट टाइम है दिस इज द राइट टाइम और ये मैंने एक चैलेंज किया था ये हंड्रेड परसेंट चैलेंज के साथ मैंने बोला था ये एक हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है ये मतलब इसको कह सकते हैं जैसे मैंने भी जो थॉट था वो एक गेम का था तो ये कह सकते हैं कि ये जो नाइनटी नाइन का रुपीज का जो बैच है ये भी एक गेम चेंजर है ये दुनिया बदल सकता है आपकी एक सेकंड में दुनिया बदल सकता है एक सेकंड में आपका जो रवैया है जो एटीट्यूड है और ये मैं अब लिखवा लीजिए ये बात आप ये जो पूरे सेशंस आप ज्वाइन करेंगे पूरे 90 का आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपके एटीट्यूड में चेंज देखना वो कहते हैं ना कि कल भी मैंने कुछ बता रही थी और एक जो है, उन दोनों के घर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कभी नोटिस करना कि एक जितना गरीब सा घर होगा जहां की नॉलेज नहीं होगी कुछ नहीं होगी बड़ा सा टीवी होगा और बुक्स के नाम पे जीरो उसी तरफ जहां एक रिचेस्ट पर्सन होगा टीवी एक नॉर्मल साइज का होगा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन लेकिन बुक्स की लाइब्रेरी होगी तो हमेशा नॉलेज मैटर रखती है ये जितनी भी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो मैटर नहीं रखती हैं तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए उसको जितना ज्यादा आप गेन कर सकते हैं गेन करिए है। और उसके लिए सिर्फ एक चीज है आपका पॉजिटिव होना जितना पॉजिटिव हो करके पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा एंड दिस इज द राइट टाइम मैं कह रही हूं ये जो आपका नाइन वाला बैच है नो no डाउट ये एक चैलेंजर है वो ये एक गेम चेंजर है ये मैं सही कह रही हूं मैं आपकी ये कुछ भी कर सकता है जो आपने कभी नहीं सोचा है और हो सकता है मैंने कहा था ना आपको कि हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं जो दो साल से तीन साल से एक एक दो दो लाख रुपए फीस जमा करवा के आ रहे थे वहां हम सिर्फ नाइनटी नाइन रुपीज के अंदर और सिर्फ सिर्फ हमारे पास कितना टाइम है आपका नवंबर ऑलमोस्ट निकल ही गया है तो दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई को तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ हमारे पास में सिर्फ फाइव मंथ्स है मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि कैसे हम इस जर्नी को ये जो गेम चेंजर जर्नी है कैसे हम इसको चेंज करने वाले हैं है? मिस इन पांच महीने के अंदर ये जो पांच साल की पढ़ाई जो करते हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए सीधी सी बात आपका ट्रस्ट आपका विश्वास आपका सपोर्ट और अभी तक जो आपने साथ दिया है हमेशा उसको कायम रखिएगा सीधी सी बात लास्ट में यही कहना चाहूंगी दिस इज द राइट टाइम अगर अभी भी कई लोग बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता लोग दो दो तीन तीन साल पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है तो पांच महीने में तुम क्या खाक मार लोगे तो उनको कह देना उनको कुछ भी मत बोलना उनको बोलना यस हम खाक मार के दिखाएंगे हम इस गेम को जीत के दिखाएंगे क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जो दो दो तीन तीन साल में कितनी बार पढ़ते हैं वो तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है और कोई वन टाइम में पढ़ के भी सिलेक्शन कर लेते हैं दिस 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 इज 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 कॉल्ड 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 द स्मार्ट योर एनर्जी ये ये है है ये है वो वो चीज जो यूनिवर्स आपको देता पॉजिटिविटी तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट खुद के ऊपर ट्रस्ट खुद के विश्वास और किसी एक मिनटों पे विश्वास होना बहुत जरूरी है नेगेटिव माइंड नेगेटिव चीजें ही आपको लेकर के आएगा लेकिन पॉजिटिव माइंड आपको पॉजिटिव चीजें ही रिफ्लेक्ट करेगा और यकीन मानिए पांच महीने कम नहीं है अगर आप रिलीजियसली इसमें पढ़ाई कर सकते हैं तो करिए अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैम पांच महीने जो हमें रिलीजियसली पढ़ाई करनी है तो हमें उसका भी सॉल्यूशन बता दीजिए राइट तो ये पांच महीनों का रिलीजियसली अगर मैं सॉल्यूशन आपको बताऊं तो अभी पांच महीने नहीं लेती मैं आज सिर्फ मैं अभी आपका वन वीक ले लेती हूँ राइट ये हम वन वीक लेंगे हम और इस वन वीक के अंदर हम कोई डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे हम ये डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे कि मुझे पांच घंटे पढ़ना है मुझे छह घंटे पढ़ना है मुझे आठ घंटे पढ़ना है नहीं अब आप सोचोगे कि मैम ये क्या बोल रहे हो आप कि पांच घंटे नहीं पढ़ेंगे छह घंटे नहीं पढ़ेंगे आठ घंटे नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम कितना पढ़ेंगे जब तक हमारा जब तक हमारा क्या नहीं हो जाता कोर्स नहीं हो जाता जब तक हमारा कोर्स या टॉपिक नहीं हो जाता हम हमारी टेबल से नहीं उठेंगे अब उसके अंदर पांच घंटे लग रहे हैं या छह घंटे लग रहे हैं या दस घंटे लग रहे हैं अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी हॉबी ये है तो ठीक है बीच में एक हॉबी लीजिए करिए आपका बैडमिंटन खेलने का शौक है आपको डांस करने का शौक है सिंगिंग करने का शौक है डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू डू लेकिन जो आपका जिसके लिए आप एक पॉजिटिव रहते हैं उस हर काम को करिए और कभी भी ये सोच के मत करो कि मैम मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ आज से मैं बहुत ही ध्यान से मैं पढ़ूंगा मैं चार घंटे पढ़ूंगा मैं पांच घंटे पढ़ूंगा मैं आठ घंटे पढ़ूंगा मैं पहले हिस्ट्री पढ़ूंगा नहीं जो बढ़ूंगा उसको थॉरल याद करके रखूंगा क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रिविजन करूंगा हम क्लास देखेंगे क्लास के बाद हम उसको पढ़ेंगे पढ़ने के बाद हम ओटीपी पे जाएंगे ओटीपी पे हम ऑब्जेक्टिव करेंगे उसके बाद कुछ डाउट हुआ हम डाउट लिखेंगे डाउट के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर हमने ऑलरेडी दे रखा है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट लिख के भेजेंगे नेक्स्ट डे फैकल्टी आपकी डाउट को सॉल्व करेगी और ऐसे हम जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वो सारी चीजें हम करेंगे बशर्ते कोई उसके अंदर टाइम लिमिट नहीं होगी पढ़ना है तो पढ़ना है यूपीएससी क्लियर करना है तो करना है और सर का ये जो सपोर्ट है, है, है।, है, 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 है उसको हमें सक्सेस करके ही दिखाना है तो आप बताइए कौन कौन से स्टूडेंट्स मेरे साथ में है जो ये बोलते हैं ये मैम हम करके दिखाएंगे और हम पॉजिटिव रहेंगे मैंने कहा ना हर वक्त स्लो डाउन रहिए जहां ऐसा है कि गुस्सा और ये मैं आपको मैं कई बार ऐसे होते हैं हैं कि कि बच्चे मुझे बोलते मैम उसने ना ऐसा लिख दिया था तो आप मत पढ़ो उसको हम पॉजिटिव हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है जो नेगेटिव है करने दीजिए और मैं लास्ट वापस से बोल रही हूँ प्लीज रीप्स ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए मंडे से क्लासेस आपकी वापस से रेगुलर बेसिस पे शुरू हो रही हैं दो लेक्चर्स आपके पढ़ रहे होंगे जीएस का फर्स्ट पेपर जो है आपका हिस्ट्री हो जाग से मंडे से स्टार्ट कर देंगे और सी सेट भी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी वन वी के जाएंगे उसके बाद जैसे भी होगा कि हाँ पर आपके कितने लेक्चर्स हो रहे हैं उसके बाद आपकी शेड्यूलिंग क्या है मिस पॉलिटी कब आएगी आपकी ज्योग्राफी कब आएगी इकोनॉमी कब आएगी ये सारी चीजें आपको सर बाद में सब कुछ बता देंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कॉन्सनट्रेट करिए रिलीजियसली पढ़ाई करिए और सीरियसली कह रही हूँ कि ये आप ये जो चैलेंज आपने लिया है उसको आप एक्सेप्ट करिए और स्लो डाउन रहिए नेगेटिविटी से दूर रहिए गुस्सा मत करिए हमेशा कूल डाउन रहिए और यूनिवर्स जो आपको सिग्नल दे रहा है उसको समझिए कहीं पे भी आप जा रहे हैं क्यों आपको दो बार तीन बार सेम चीज आपको क्यों नजर आ रही है कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दुखी होते हैं कोल्डेट करना कई बार होता है हम बहुत दुखी होते हैं और एकदम से कहीं से हमें कोई गाने की आवाज आती है हमें सकते ऐसा लग रहा है कि शायद हम पे कोई गा रहा है बताइए ऐसा होता है या नहीं होता है बेकार से बहुत बार ऐसे फेस किया होगा आपने अब बहुत खुश हो रहे होते हैं कहीं से आप निकल रहे होते हैं मालूम है पास से कोई गाड़ी निकल रही है उससे, अच्छा उससे तो 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 नेगेटिव नहीं सोचना है अगर ये सोचा है कि यस हम सर हमारे साथ में हैं तो हम यूपीएससी जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है वो जो लबासना की जो सीट है वो मेरी ही है वो रूम नंबर मेरा ही है वो पोस्ट मेरी ही है तो उसको विजुलाइज करिए Negatives नहीं सोचना है और ये नहीं सोचना है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है बस करनी है तो करनी है और इस कोर्स को थॉरल करना है करना है उसके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है ओटीपी जाइए क्वेश्चन वहां पे ढेरों क्वेश्चन पड़े हुए हैं एम सी क्यू सॉल्व करिए डाउट आते हैं डाउट्स को आपको सर ने शायद फर्स्ट क्लास के अंदर दो व्हाट्सअप नंबर दिए थे याद करिए दो व्हाट्सएप नंबर सर ने आपको दिए थे उन पे आपके डाउट्स डालिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे डबल ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी आपके साथ में दिन रात जग रहे हैं हम लोग भी आपके साथ में सब कुछ कर रहे हैं तो मंडे से जो क्लास स्टार्ट हो रही है लॉग इन कर लीजिए ऐसा ना हो कि वापस से आप सी सेट की जब आपकी क्लास शुरू होगी उसी वक्त आप लोग लॉग इन करेंगे तो वापस से सेम प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम ना हो टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ना हो कुछ और ऐसे अटैक वापस से ना हो तो एक सारी चीजें पहले से करके

जो था उनके जो स्टूडेंट जो थे उसके बाद में वो सिविल सर्वेंट बने हैं सिविल ब्यूरोक्रेट के बनने के बाद उनकी शादी है तो ये कि जो जर्नी है जो स्टूडेंट से लेकर एक दूल्हे तक की है तो हो सकता है कि ये जर्नी नेक्स्ट टाइम आपके साथ में हो और जैसे कि सर लवासना हमेशा जाते हैं और अभी सर जो है आपके पुलिस एकेडमी हैदराबाद गए हुए हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कोई पुलिस एकेडमी में आप में से कोई ऐसा हो जो वहां जाए और सर आपसे मिलने के लिए भी वहां पे जाएंगे तो विजुलाइज कीजिए उस मोमेंट को उस सिचुएशन को उस दिन को कि आप किसी एकेडमी में हो आप लवाना हो और सर आपसे मिलने के लिए वहाँ पे आए तो आज की इंफॉर्मेशन इतनी थी मेघाल से आज अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप काउंसलर से बात कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो उसी वक्त सॉल्व हो जाएगी और प्लीज कूल रहिए स्लो डाउन रहिए और पॉजिटिव रहिए थैंक यू सो मच